दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में डे बुक रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। अब देखो, जब मैं बात कर रहा हूँ डे बुक रिपोर्ट की, तो आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट ये आ रहा होगा कि डे बुक रिपोर्ट एक्चुअल में होता क्या है। देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें, आप कहीं पर वर्क कर रहे हो जहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेल्स या फिर कुछ भी काम होता है, कुल मिला के ट्रांजेक्शन्स होती है, तो उन ट्रांजेक्शन्स को जिस सीरीज में मेंटेन किया जाता है वो होता है डे बुक रिपोर्ट। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप किसी शॉप पे काम करते हो, ठीक है, और वो जो शॉप है वो है गारमेंट की। अब वहां पे सबसे पहले आप सेल भी कर रहे हो, मतलब जितना भी आपने का जो सामान है, लाइक शर्ट बेचा, पैंट बेचा या फिर टी शर्ट्स बेची, तो वो सब क्या है, सेल्स है, आप सेल कर रहे हो। इसके अलावा मान लो कि आपके कुछ खर्चे हैं, आप वहां पे पेमेंट कर रहे हो, आपके पास कुछ पैसा आ रहा है तो आप रिसीव कर रहे हो, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन्स है, जो कि एक बिजनेस के तहत की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये सारी ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं, इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर या फिर मैं बात करूँ सेल्स परचेस वाउचर, इनका क्या रोल प्ले होता है, ये चीज़ें भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो कि है डे बुक रिपोर्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपकी एक्सेल प्रोफाइल में इसकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे सबसे पहले जिन हेडिंग्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है, पहले हम उसे एड ऑन कर लेते हैं। सबसे यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे पहले, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सीरियल नंबर। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो किस तारीख को हुआ, यानी कि वो डेट। फिर वो जो ट्रांजेक्शन है उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे एड ऑन करेंगे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डिस्क्रिप्शन। इसके बाद वो जो ट्रांजेक्शन है वो कौन से वाउचर में काउंट हो रहा है। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन टाइप है वो क्या है, वो कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन किया गया, यूपीआई के थ्रू किया गया या फिर कार्ड के थ्रू किया गया, तो ट्रांजेक्शन टाइप क्या हमारा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे इसे हम प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करके इतना बड़ा कर लेता हूँ। वाउचर के लिए भी हम थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं। ट्रांजेक्शन टाइप मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ नॉर्मल इस टाइप में, और अमाउंट के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इसके बाद सिंपली करना क्या है कि इस रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे सेंटर कर लेते हैं बड़े सिंपल वे में, और यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर देते हैं ताकि जो ट्रांजेक्शन में टाइप बाहर जा रहा था ये यहाँ पे आ जाए। इसके बाद हम इसे करेंगे टॉप लाइन, और यहाँ पे हम कर देंगे इसे सेंटर में, जो कि प्रॉपर तरीके से ऑन स्क्रीन आपके सामने। फिर इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है मैं रख लेता हूँ येल्लो, और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ ऑल बॉर्डर्स। सेम इसी तरीके से हम नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ ऑल बॉर्डर्स। इसके बाद अगर आपको किसी भी रेंज को बड़ा करना है, लाइक हमें डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा और बड़ा करना है, या फिर वाउचर सेक्शन बड़ा करना है, या फिर ट्रांजेक्शन टाइप बड़ा करना है, तो उस चीज को आप बड़ी आसानी से यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद जो हमारी हेडिंग है वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल की को होल्ड करके प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा इंसर्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें सेलेक्ट क्या करना है, एंटायर रो, और करना है ओके, तो ऊपर में खाली रो आ जाएगी। इसके बाद हम इसे ड्रैग कर लेते हैं अपनी हेडिंग देने के लिए, पूरे को सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, डे बुक रिपोर्ट ऑफ जून 2023, ठीक है, ये हमने डाला, हमने इसको सेलेक्ट किया। जो भी फॉन्ट आपको बेटर लगता है यहाँ पे, लाइक मुझे यहाँ पे बेटर लग रहा है ये वाला, हमने सेलेक्ट किया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, और हमने कैसे मिडल अलाइन एक लेवल और बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। जो भी इसका कलर आप रखना चाहते हो एज ए बैकग्राउंड, यहाँ पे जाके आप वो कलर सेलेक्ट करें, कर दे ओके। इसके बाद जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं कर देता हूँ व्हाइट। अब इतना फॉर्मेट रेडी करने के बाद सबसे पहले सीरियल नंबर पे आते हैं, और पहले ट्रांजेक्शन के साथ समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ट्रांजेक्शन के लिए पहला सीरियल नंबर डाल देता हूँ 1, और हो सकता है कि यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह आपको इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर देने के लिए बोला जाए। ये हमेशा ध्यान रखो कि मैं आपको एक फॉर्मेट की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे आप जॉब करोगे उनके फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। जैसे यहाँ पे अभी हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर, वहाँ पे हो सकता है कि आपको रेफरेंस नंबर दिया जाए या फिर बिल नंबर दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हैं और हर एक ट्रांजेक्शन में एक बिल काउंट होता है, तो उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे एड ऑन करने के लिए आपको बोला जा सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो फिलहाल हम सीरियल नंबर लिख रहे हैं, इनकेस आपको इनवॉइस या रेफरेंस नंबर लिखने को बोला जाए तो वो आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेट की। तो जैसे मैं यहाँ पे एक डेट डाल देता हूँ, और वो डेट है यहाँ पे 6th मंथ हमने डाल दिया कि मंथ 6 यानी कि जून, और यहाँ पे हमने डाला कि 12 तारीख है और 2023 हमने डाला। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो आपको ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे, आप कंट्रोल 1 प्रेस करो
और कंट्रोल वन प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखो डेट सेक्शन में नंबर फॉर्मेट यहाँ पे खुल जाता है। आपको ये 14 मार्च वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है और करना है ओके। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल वे में जो आपका डेट है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जगह भी ये कम ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन है यानी कि आपका ये जो ट्रांजेक्शन है उसमें हुआ क्या है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमने सेल करी है, ठीक है, और हमने क्या सेल किया है, सेल्स ऑफ 4 चेयर्स ऑफ नील कमल ब्रांड, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वाउचर। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये क्या होता है पहले इस पॉइंट को समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें डे बुक रिपोर्ट की तो ये एक्चुअल में बिलोंग करता है टैली सॉफ्टवेयर से। टैली एक फेमस सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आप सब जानते हो। नॉर्मल देखो टैली इसी चीज के लिए बना है कि उसमें आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स करनी है आप वो ट्रांजेक्शन्स करते हो और बाय डिफॉल्ट उसमें डे बुक रिपोर्ट रेडी हो जाती है। लेकिन कई कंपनीज जो है या फिर मैं बात करूँ कई ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉर्मली एक्सेल पर अपना डेटा प्रिपेयर करना ज़्यादा बेटर समझती है, वो टैली का स्टफ नहीं पालना चाहती या फिर उनके पास अकाउंटेंट बर्डन ज़्यादा ना हो इसलिए वो एक्सेल पे ही डे बुक रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। अब यहाँ पे जिसको टैली की नॉलेज है उसे वाउचर्स के बारे में पता होता है कि रिसिप्ट वाउचर क्या है, पेमेंट वाउचर क्या है, सेल्स वाउचर क्या है, परचेस वाउचर क्या है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 वाउचर्स के बारे में समझने वाले हैं। आपको हो सकता है 1-2 का ही डेटा प्रिपेयर कर रहा हूँ बट 4 वाउचर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 क्या है, पेमेंट। नंबर 2 क्या है, परचेस। नंबर 3 है यहाँ पे सेल्स और नंबर 4 है यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। अब इन चारों पॉइंट को ध्यान से समझना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो वाउचर्स है परचेस, पेमेंट, सेल्स और रिसिप्ट, इनका क्या रोल प्ले है। देखो मान लो कि आपका एक बिजनेस है और वो बिजनेस है एक गारमेंट शॉप का। ध्यान देना, पॉइंट ज़रा ध्यान से समझना। आपका जो बिजनेस है वो किसका है, एक गारमेंट शॉप जो यानी कि कपड़ों की दुकान का आपका बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले तो आपको सामान बेच रहे हो और वो सामान क्या हो सकता है, शर्ट, ठीक है, या फिर हो सकता है पैंट, या फिर हो सकता है टी शर्ट, या फिर हो सकता है ट्राउजर, या फिर इसके अलावा और भी जो गारमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो हो सकता है, राइट। तो बेसिकली आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, आप सेल कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो, आप शर्ट, पैंट, टी शर्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट जिसका आप लेन देन करते हो जब आप उसे बेच रहे हो तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, सेल्स में। इसी के साथ ही जब आप होलसेलर से, क्योंकि आप एक रिटेलर हो, आप होलसेलर से सामान लाओगे तभी तो कस्टमर को बेचोगे, तो जब आप होलसेलर से सामान खरीदते हो यानी शर्ट, पैंट, टी शर्ट, ट्राउजर, कोट, पैंट या जो भी गारमेंट प्रोडक्ट्स है उनको जब आप अपने लिए खरीदते हो तो वो परचेस हुआ और जब आप उसे कस्टमर को बेचते हो तो वो सेल्स वाउचर में जाता है। अब बात करते हैं पेमेंट की। मान लो कि आप जो दुकान चला रहे हो उसका रेंट भी आपको देना है, मान लो आपके पास जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी भी आपको देनी है, या फिर उसके अलावा जितने भी खर्चे आपको करने हैं वो सब किस में आता है, पेमेंट में आता है। पेमेंट का सीधा मतलब क्या है कि आप पे कर रहे हो पैसा, तो आप पे कैसे करोगे। मान लो आपका सैलरी देना है एम्प्लॉयज को, या फिर आपको किसी को कमीशन देना है, आपको रेंट देना है, आपको बिजली का बिल देना है, या फिर कुछ और खर्चा हो गया, टेबल कुर्सी ये सब आप लेके आ गए, तो ये सब चीजें क्या है, आपकी पेमेंट्स है। तो ये सब एंट्रीज किस वाउचर में आती है, पेमेंट वाउचर में आती है। और रिसीव की हम बात करें तो जब भी पैसा आप रिसीव करते हो, रिसीव इन द सेंस मान लो कि आपने दूसरे दुकान वाले के पास कोई कस्टमर भेजा तो उसने आपके लिए कमीशन भेजा तो आपके पास पैसा क्या हुआ, रिसीव हुआ, तो आएगा रिसिप्ट वाउचर में। इसके साथ ही मान लो कि आपने पैसा ब्याज पे दे रखा है, आपको इंटरेस्ट मिल गया तो वो भी किस में आ गया, रिसिप्ट वाउचर में। आपका गोदाम खाली पड़ा हुआ है, आपने उसे रेंट पे दे दिया तो उसका भी पैसा आपको आ रहा है तो वो किस में हम डालेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो इसको ज्यादा टेंशन के तौर पे नहीं लेना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सामान बेच रहे हो तो सेल्स में, सामान खरीद रहे हो तो परचेस में, किसी भी चीज की पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट में, और जब पैसा आपके पास आया है तो रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है गारमेंट का, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स ऑफ 4 शर्ट्स, ठीक है, ऑफ जारा ब्रांड, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं हमने क्या किया है, सेल क्या है, तो मुझे यहाँ पे क्या डालना है, सेल्स वाउचर डालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्स, ठीक है, वाउचर क्या हमारा सेल्स है। लेकिन बार बार ये मुझे लिखना पड़ेगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं सिंपल तरीके से। डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, एनी वैल्यू में आपको सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट को, और सोर्स में जाके जो जो वाउचर्स है, जैसे एक हमारा क्या है
सेल्स वाउचर, ये लिखा, कोमा किया, स्पेस देंगे। फिर हमने लिखा यहाँ पे परचेज, कोमा किया, स्पेस देंगे। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं अगला वाउचर जो कि है पेमेंट, फिर कोमा किया, स्पेस, और फिर हम डालेंगे रिसिप्ट। इतना लिखने के बाद आपको करना है ओके, और अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, आपको सिंपली इसमें जाके वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। तो बार बार आपके लिए लिखने का झंझट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि कस्टमर को जो आपने सेल किया है 4 शर्ट्स, उसने आपको पेमेंट कैसे की है, कैश में, कार्ड में, यूपीआई में, या फिर कोई और भी सोर्सेस है, तो वो आप एड ऑन कर सकते हो। तो दोबारा मैं क्या करूंगा, इस रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में हम जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे एनी वैल्यू में सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट को, और सोर्स में जाके मैं लिख देता हूँ कैश, सबसे पहला ट्रांजेक्शन टाइप, दूसरा हमने डाला यूपीआई, तीसरा हमने यहाँ पे डाल दिया कार्ड। इसके अलावा और भी कुछ है तो आप एड ऑन कर सकते हो, हमने किया ओके। तो मैंने बोला कि जो हमारा कस्टमर है उसने हमें कैश के थ्रू पेमेंट किए। अब बात करते हैं अमाउंट के। देखो, हो सकता है कि आप सेल का ही डिपार्टमेंट संभाल रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेट, क्वांटिटी और तब अमाउंट का जो कॉलम है वो बना सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ऐसा सिंपल रखना है, ज्यादा बिगर स्टफ नहीं पालना, तो आप क्या करो, यहाँ पे इक्वल करो और एक शर्ट का प्राइस आप देख लो क्या है। तो एक शर्ट का प्राइस है मान लो कि 640 रुपीज, आपने मल्टीप्लाई किया 4 से, एक ही बार में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये हुआ एक तरीका। दूसरा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने और प्रैक्टिकल्स में भी आपको बताया हुआ है, मैं यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करके आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मैंने किया इंटायर कॉलम ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या डाला, मैंने यहाँ पे डाल दिया रेट, यहाँ पे मैंने डाल दिया क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया अमाउंट। अब यहाँ पे मैं रेट डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया मैंने 640, क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया 4 पीसेस, और मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, और इस तरीके से मैं इसका आंसर यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एक ये भी वे है जिसमें आप इसे थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हो, बट दोनों ही चीज़ें आपके सामने हैं, जैसा आपको डेटा बनाने के लिए बोला जाएगा उस तरीके से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे यहाँ पे हटा दे रहा हूँ और ये हमने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे डेटा की। तो हमने यहाँ पे दोबारा लिखा 2, और यहाँ पे सेम डेट डाल देता हूँ मैं जो कि है 12 जून। इसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं कोई और एंट्री करके मैं आपको शो करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया रेंट पेड ऑफ मे मंथ, क्योंकि महीना पूरा होने पे ही हम रेंट देते हैं, तो जून में जो हम रेंट पे कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, मई के मंथ का कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। सेल्स यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे मैंने डाला कि अब मैंने क्या करा, पेमेंट करा है, पेड किया है मैंने, पेमेंट किया, मैंने पेमेंट सेलेक्ट किया। इस बार मेरा पेमेंट का मेथड क्या था कि मैंने कार्ड से पेमेंट किया या फिर मैंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दिया लैंडलॉर्ड को सीधा, तो मैंने यूपीआई सेलेक्ट कर लिया। रेंट कितना है, रेंट हमारा ज्यादा, हमने यहाँ पे 15,000 पे कर दिया। फिर हम यहाँ पे आते हैं, दूसरी एंट्री में डालता हूँ यहाँ पे 3 करते हैं, और 12 जून को ये भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किसी दूसरे दुकानदार के पास कस्टमर भेजा था, तो वहां से मुझे क्या मिला, कमीशन मिला कि गॉट कमीशन ऑफ 4,500, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला कि ये मेरे पास क्या हुआ, पेमेंट रिसीव हुई है, 4,500 रुपये की पेमेंट रिसीव हुई है। तो मैं यहीं पे गया, मेरा एंट्री किस में गया, रिसिप्ट वाउचर में। कैसे आई है मुझे पेमेंट, ये भी पेमेंट मुझे कैश के थ्रू आई है, मैंने कैश सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेमेंट जो कि मैंने डाल दिया यहाँ पे 4,500। अब नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो कि मैंने कुछ एंट्रीज यहाँ पे कर दिया ताकि उनका डिफरेंशिएशन मैं आपको समझा सकूं। देखो, इस पूरे प्रैक्टिकल में जो मेन समझने की चीज है वो है ये वाउचर्स, ठीक है। आपको ट्रांजेक्शन बता दी गई है, आपको बिल दे दिया गया है या फिर ट्रांजेक्शन दे दी गई है, आपसे बस बोला गया कि एक्सेल में उनकी एंट्री करनी है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है यहाँ पे एंट्री करनी है। मेन जो टर्म होता है वो क्या होता है, इन वाउचर्स को समझना। देखो, मैंने आपको बताया कि जितने भी सेल आप करोगे सेल्स वाउचर में, जितने भी पेमेंट्स आप करोगे पेमेंट वाउचर में, अगर आपके पास पैसा आया है तो रिसिप्ट वाउचर में, और अगर आपने परचेस किया है तो परचेस वाउचर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमने सेल्स ऑफ 4 शर्ट किया तो वो आ रहा है यहाँ पे सेल्स वाउचर में, कैश के थ्रू हमने किया और अमाउंट हमने यहाँ पे एड ऑन कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि गॉट कमीशन ऑफ 4,500, पैसा मैंने रिसीव किया है, मुझे कमीशन मिला है, तो हमने किस में डाल दिया, रिसिप्ट वाउचर में। इसके अलावा यहाँ पे देखो, सेल्स ऑफ 2 शर्ट्स वैनकॉप, सेल्स ऑफ 4 शर्ट्स ऑफ यूएस पोलो ब्रांड, यहाँ पे हमने डाला 4 पैंट्स, और इन सब के जो एंट्रीज है वो किस वाउचर में, सेल्स वाउचर में। पेमेंट मेथड्स हमने यहाँ पे डाले और उनका ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे एड ऑन कर दिया। इसके बाद आप यहीं पे आओगे, आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे परचेज की एंट्रीज की है, मतलब हमने अपने बिजनेस के लिए परचेज किया है जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह जो हमारे पास शॉर्टेज हो रखी है। तो हमने यहाँ पे 50 शर्ट्स खरीदे जारा के, 50 जीन्स स्पाइकर के, 50 ट्राउजर जारा के, 50 टी शर्ट्स यूएस पोलो के, जो कि सारी एंट्रीज हमने किसमें की, परचेज वाउचर में। इसके अलावा हमने 4 चेयर्स खरीदे शॉप के लिए, जो कि कस्टमर वगैरह आए तो उनको बैठने के लिए हो, तो हमने उसके लिए पेमेंट करी जो कि हमने कार्ड से पेमेंट करी इतने अमाउंट की।
अब ये जितनी भी चीजें हैं वो देख के आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही सिंपल डील है, सेल्स पेमेंट रिसिप्ट और परचेज, कोई बिग डील नहीं है, मैं समझ गया, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, आप देखो कि मैंने सिर्फ 3 से 4 दिन की ट्रांजेक्शन यहाँ पे की है और ये भी कम ट्रांजेक्शन है, एक्चुअल में ट्रांजेक्शन इससे बहुत ज्यादा होती है। तो अब ऐसे में आपके पास जो सुपरवाइजर है, जो सीनियर है, वो आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे को पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके दो, मतलब मुझे ये बताओ कि हमारे पास पैसा कितना रिसीव हुआ है, हमने टोटल कितनी पेमेंट्स करी है, हमने टोटल कितना सेल किया है, टोटल कितना परचेज किया है। तो वो आप कैसे बताओगे, एक एक करके तो गिनोगे नहीं इसमें, तो ये चीज हम कैसे करेंगे। देखो ये सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई बिग डील इसके लिए आपको नहीं करना। सबसे पहली चीज तो हम यहीं पे आ जाते हैं साइड में, ठीक है, और यहाँ पे हम एक सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए, मैंने इस वाली रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैं इसे कर देता हूँ मर्ज, और इस वाली रेंज को सेलेक्ट किया और मैं इसे कर लेता हूँ मर्ज, ठीक है। यही सेम जो फॉर्मेट है इसको मैं उठाता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, फिर यही सेम फॉर्मेट मैंने उठाया और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, फिर मैंने यही सेम फॉर्मेट उठाया और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया ताकि मुझे बार बार ये मेहनत ना करनी पड़े। हम यहाँ पे लिखते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने टोटल कितनी पेमेंट्स की है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टोटल मैंने कितनी पेमेंट्स की है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पेमेंट्स, और यहाँ पे आता हूँ कि मैंने लिखा कि टोटल कितना पैसा हमने रिसीव किया है, तो ये आ गया। टोटल हमने कितना सेल्स किया है वो हमने यहाँ पे लिखा, और टोटल हमने कितना परचेज किया है वो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा इसको स्टाइलिश बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला एंगल डाल देता हूँ, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये वाला एंगल डाल दिया। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली आते हैं, मैंने कहा इक्वल, एक फॉर्मूला हम टाइप करेंगे जो कि है सम इफ, जोड़ो अगर, हमने टाइप किया फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। रेंज, तो ये हमारी वाउचर्स की रेंज है जिसमें काफी सारे टर्म्स है, लाइक सेल्स भी है, पेमेंट भी है, रिसिप्ट भी है, परचेज भी है। तो ये पूछ रहा है आपको कौन सा डेटा चाहिए, तो मैं जैसे कोमा प्रेस करूंगा ये पूछेगा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पेमेंट, यहाँ पे सिंपली एक पेमेंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, कोमा किया और इसके बाद हम सम रेंज को सेलेक्ट करेंगे, हमने किया एंटर, तो यहाँ पे आ गया 25,000 रुपए, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेंटर अलाइन इस तरीके से, ठीक है, हमने यहाँ पे मिडल अलाइन किया और सेंटर अलाइन कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बड़ा करने के बाद आप इसे बोल्ड कर लो, जो भी फॉन्ट आपको बेटर लगता है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो भी एडिटिंग आपको अप्लाई करना है या फिर यहाँ पे आके कोई करेंसी वगैरह अप्लाई आप करना चाहते हो, लाइक हम मोर अकाउंटिंग ऑप्शन में गए, यहाँ पे जाके मैं रुपीज का सिंबल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल है, इसको सेलेक्ट किया कर दूंगा ओके, और यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, जो भी हमें इसमें फॉर्मेट अप्लाई करना है लाइक कलर वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आप देखो आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, लाइक ये अच्छा लग रहा है ये सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे आके कोई भी एक शेडिंग कलर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं जो कि थोड़ा सा यहाँ पे बेटर लुक रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला जो कलर है, ये हमने सेलेक्ट किया। अब जैसे मैं पेमेंट का डेटा लेके आया वैसे हम रिसिप्ट का भी लेके आएंगे, हमने क्या इक्वल, हम डालेंगे समीप का फॉर्मूला, टैप किया फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। रेंज क्या है, तो रेंज है हमारी ये, और इस बार डेटा हम किसका ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं रिसिप्ट वाउचर का, हमने रिसिप्ट सेलेक्ट किया, कोमा किया, और यहाँ पे सम रेंज में हम इसको सेलेक्ट करके करेंगे एंटर, तो यहाँ पे आ गया 4500, क्योंकि हमने एक ही रिसिप्ट वाउचर की एंट्री की है जो कि आप देख पा रहे हो, इसके अलावा कोई भी रिसिप्ट वाउचर की एंट्री नहीं है। अब बात करते हैं सेल्स की, तो दोबारा हम यहाँ पे आते हैं, हमने क्या इक्वल, समीप का फॉर्मूला लिखेंगे, टैप करेंगे, सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, रेंज आपने सेलेक्ट किया, कोमा किया, और कोमा करने के बाद यहाँ हम डालेंगे क्राइटेरिया। तो इस बार हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया है यहाँ पे सेल्स, हमने सेल्स सेलेक्ट किया, कोमा करेंगे और सम रेंज को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, हमने किया एंटर, और यहाँ पे आ गया टोटल 10,060 रुपए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2500, 3500, 1500 और 2560, जिसे आप कैलकुलेट करोगे तो 10,060 रुपए आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात करते हैं परचेज के, हमने क्या यहाँ पे इक्वल, दोबारा वही फॉर्मूला टाइप कर देते हैं लास्ट टाइम, रेंज हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कोमा करेंगे, परचेज को सेलेक्ट करेंगे, कोमा किया, और सम रेंज हम यहाँ सेलेक्ट करके कर देंगे एंटर। इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर करते हैं और इस पर भी फॉर्मेट पेंटिंग अप्लाई कर देते हैं, फिर फॉर्मेट पेंटर के इस पर भी अप्लाई किया और फिर फॉर्मेट पेंटर के इस पर भी हमने अप्लाई कर दिया, और प्रॉपर तरीके से जो आपका यहाँ पे डेटा है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ऑन स्क्रीन आपके सामने डेटा आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ, लाइक अभी हमारे पास 4 डेटा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक और नई एंट्री करता हूँ जो कि एंट्री होने वाली है रिसिप्ट वाउचर में, अब मान लो मेरा एक गोदाम खाली पड़ा है और मुझे उसका रेंट आया है, तो रेंट ऑफ गोडाउन, ठीक है, हमने यहाँ पे डाला कि रेंट ऑफ गोडाउन हमें यहाँ पे आया है, तो ये हमारी जो एंट्री है वो कौन से वाउचर में जाएगी,
ये हमारी एंट्री चली जाएगी रिसिप्ट वाउचर में। हम यहाँ पे आते हैं, हमने बोला कि जो पेमेंट है वो हमें कैश के थ्रू आई है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं अमाउंट लिखता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा 20,000 और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा डेटा अपडेट नहीं हुआ। अभी डेटा अपडेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने रेंज इसमें दी है, देखो इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे जो रेंज दिया वो रेंज कहाँ तक है? यहीं तक है। और जब मैं डेटा आगे बढ़ा रहा हूँ तो वो इस रेंज को कैच नहीं कर पा रहा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? देखो, इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसे दोबारा मैं प्रैक्टिकल आपको करके शो कर सकूँ। तो मैं इसको यहाँ पे फिलहाल कर रहा हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद हमें क्या करना है कि इस रेंज को हमें सेलेक्ट करना है और कंट्रोल टी प्रेस करना है, जिससे टेबल में कन्वर्ट हो जाए। हमने किया ओके और अब ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो ये येलो वन पार्ट है ये हमारा यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम डिजाइन में जाएंगे और कोई भी जो दूसरा डिजाइन आपको पसंद है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप क्या करोगे कि आप होम में ही आओ, आप इस येलो सेक्शन को सेलेक्ट करो, सिर्फ और सिर्फ ये येलो वाला जो सेक्शन है, और यहाँ पे इसे कर दो नॉर्मल। तो ये बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मेट हमने अप्लाई किया था वो यहाँ से भी हम रिमूव कर रहे हैं। ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेटा अभी प्रेस करता हूँ, जैसे टेबल की रेंज है वो हमारी यहाँ तक है, तो मैं टेबल की रेंज को यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो जैसे मैं टेबल की रेंज को ड्रैग करता हूँ, आप देखो यहाँ पे जो भी मैंने फॉन्ट वगैरह अप्लाई किया था, यानी फॉर्मेट जो अप्लाई किया था, वो यहाँ पे हट गया है। मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर 12। दोबारा हम डालते हैं डेट वही 14 जून की, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि गॉट रेंट ऑफ गोडाउन, ठीक है। दोबारा हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि ये हमें पैसा मिला है, तो यह रिसिप्ट वाउचर में। पेमेंट मेथड क्या, हमने डाल दिया कैश। और अब मैं डालता हूँ यहाँ पे 20,000 रुपये। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे कि ये डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि वो रेंज बाय डिफॉल्ट कैच करें, इसके लिए इसे हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो डेटा आप इजिली प्रिपेयर करके इजिली आप उसे सेलेक्ट करो और कंट्रोल टी या फिर इंसर्ट में जाके टेबल पे क्रिएट करके आप उसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो और आपके जो हेडेक है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों डे बुक रिपोर्ट से रिलेटेड जो ये इन्फॉर्मेशन और ये जो प्रैक्टिकल है वो आपको समझ में आई हो और कहीं ना कहीं आपको पता चला हो कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और बिलीव मी कि आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि डे बुक रिपोर्ट एक्चुअल में होता क्या है। तब आपका जवाब ये होता है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है उन ट्रांजेक्शन्स को जिस प्रॉपर वे में मेंटेन किया जाता है वो होती है डे बुक रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।